कैसे आप लोग, मैं अभी एक बार फिर से आप लोगों का अपने माय यूट्यूब चैनल न्यू अड्डा 43 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी लोग, जहाँ तक आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों का कल का सेशन था जो कि एक आपका डायरेक्शन जो भी कंप्लीट हो चुका है, एक आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए देर ना करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन थ्री टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, फोर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका आता है पजल्स, ठीक है। सेकेंड आपका टॉपिक से आता है कोडेड से क्वेश्चन आता है। थर्ड आपका आता है पॉइंटिंग से, यानी इशारे वाले पॉइंटिंग से आता है। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल। ठीक है। और अगर ये जो लाइन है, जो इस तरह का लाइन आता है, इसका मतलब हुआ सेम जनरेशन, सेम जनरेशन के बारे में दर्शाती है, ठीक है, क्लियर। अब मैं आपको एक ट्री के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगर ये ट्री आपको समझ में आ जाता है तो आप किसी भी एग्जाम में, अगर आपके पास अगर ब्लड रिलेशन के रिलेटेड से क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर आपको ट्री का क्वेश्चन, अगर ट्री का जो अभी मैं कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट मेन चीज में है, कॉन्सेप्ट समझना। अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए तो आपके लिए समझ लीजिए बेकार है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से पढ़ना और बहुत ध्यान से समझना, आप समझाने वाला हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए चलिए, ठीक है, ट्री का जैसे मान लो आप ये आप हो या मैं, ठीक है, ये आप हो या मैं, क्लियर। इसके बाद में ये आपके पिताजी हो गए, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पिताजी हो गए, ठीक। ये आपकी माताजी हो गई, यानी माँ, मदर कह लो या फादर या मदर, सबको पता है, ये मां हो गई। पिता के भाई, ठीक, भाई की पत्नी, पिता के पिता या मां, पिता की पत्नी मां, ठीक, समझ में आया। माँ के पिता, पिता की पत्नी यानी माँ, पिता की पत्नी यानी माँ, ठीक, इतना क्लियर हुआ। आपके भाई, भाई की पत्नी, आपकी पत्नी, ठीक, आपका बेटा या बेटी, ये आपका जो मैंने ट्री के बारे में आपको डिस्कस किया था, ये आपका वो ही ट्री है जो आपको मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में। अगर ये आप समझ गए तो
समझ लीजिए ब्लड रिलेशन का सवाल यानी क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो भाई आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक, दिमाग पल्ले नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से समझिए, ये जो आपकी लाइन है ये वाली लाइन है, ये क्या दर्शाती है, एक पीढ़ी का गैप, एक पीढ़ी का गैप यानी एक जनरेशन का गैप। ये जो लाइन है डबल लाइन यानी कि स्क्वायर टू का डबल लाइन का, ये एक कपल के लिए यानी शादीशुदा, ठीक है। अब वो कपल नहीं बता रहा हूं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, एक शादीशुदा यानी कि मैरिड, ठीक है। ये जो लाइन है ये वाली, ये एक सेम जनरेशन दर्शाती है यानी उसी पीढ़ी का, सेम जनरेशन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है। अगर मान लिया जाए आपसे कोई पूछे कि आप अपने पिता के भाई की पत्नी को क्या कहेंगे, क्या कहकर बुलाएंगे, ठीक है। आप अपने पिता के भाई की पत्नी को क्या कहकर बुलाएंगे, तो इनको क्या कहा जाएगा, चाची, बुआ भी कह सकते हैं, ताई भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर कहा जाए कि आप अपने पिता के पिता को क्या कहकर बुलाएंगे, अपने पिता के पिता को क्या कहकर बुलाएंगे, दादा यानी ग्रैंड फादर, इसका मतलब हुआ दादा या ग्रैंड मदर, ठीक है, यानी दादी। अगर यही पूछ ले कि आप अपनी मां के पिता को क्या कहकर बुलाएंगे, ठीक है, तो इसका भी सेम नहीं हुआ, ग्रैंडफादर यानी नाना या नानी, ठीक है, नानी। समझ में आ गया। अगर आपके पिताजी के भाई आपको क्या कहकर बुलाएंगे, भतीजा कहकर बुलाएंगे यानी नेफ्यू कहकर बुलाएंगे, या अगर फीमेल है तो उसको भतीजी कहकर बुलाएंगे। समझ में आया, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग। अगर सिंपल सी बात है, अगर पिता के साइड से कोई भी यानी जनरेशन या कोई रिलेशन आएगा तो उसको पैटर्नल पैटर्नल यानी पैतृक कहेंगे। और अगर माता यानी कि आपकी मां की तरफ से कोई रिलेशन आएगा तो उसको मैटरनल कहेंगे यानी मैत्री। समझ में आ गया? अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहां पे मेल आ रहा है, कोई भी है मेल, तो उसको आप प्लस के सिंबल से पहचानेंगे समझने के लिए, और अगर फीमेल तो आप उसको माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है। मेल मतलब होता है पुरुष और फीमेल मतलब होता है महिला, ठीक है। चलिए, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, ठीक है। इतना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो ब्लड रिलेशन का सवाल बहुत ही इजी से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पे बता सकते हैं, हम आएंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप ब्लड रिलेशन का बहुत ही इजी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा भी बता दूंगा कल के वीडियो में, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है
पी टी के पिता है, पी ये जो पी है ये टी के पिता है, टी के पिता कौन है पी। मैंने क्या कहा था कि अगर मेल होगा तो उसको प्लस का सिंबल से दर्शाएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, टी एम की पुत्री है, टी एम की पुत्री है, यानी ये दोनों शादीशुदा है। ये जो बीच का सिंबल है आपको समझ में आ गया, मैंने बताया था कि ये कपल के लिए होता है, शादीशुदा के लिए होता है, और ये बीच का जो कपल क्या नाम है सिंबल है तो ये कपल के लिए है। तो एम क्या कह रहा है, टी एम की पुत्री है, यानी ये पुत्री है माइनस एम की, समझ में आया, एम के की पुत्री है, एम के की पुत्री है, ये भी माइनस है, ये पुत्री है माइनस फीमेल है। पी का के से क्या संबंध है, पी का के से क्या संबंध है, अगर ऐसा आए पी का के से कभी भी, तो आप समझ लीजिए के का मतलब ये क्या है, के पी को क्या कहकर बुलाएगा। इसमें आपका चार ऑप्शन दिया हुआ है, फादर फादर इनला ब्रदर सन इनला, ठीक है। के पी को क्या बुलाएगा, यानी के पी को क्या बुलाएगा, के की पुत्री एम है और एम का जो पति है वो पी है, तो क्या हुआ, दामाद हुआ यानी संगेल्ला हुआ, इंग्लिश में क्या कहते हैं संगेल्ला, समझ में आया, क्लियर। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, कह रहा है कि ए तथा बी, ए तथा बी भाई बहन है, भाई बहन है। अब ये नहीं बताया कि कौन सा कौन भाई है कौन बहन है, यानी कौन मेल है या कौन फीमेल है, ठीक है। तथा सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, ए का पिता कौन है सी, ठीक है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, यानी फीमेल है तो माइनस दर्शाएंगे। तथा ई डी की मां है, तथा ई डी की मां, यानी ई ऊपर होगा, ठीक है, डी की मां, क्लियर, डी की मां है। कह रहा है कि बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है। अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या कहा था कि जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि ई बी को कहकर क्या बुलाएगा, ठीक, यानी ई बी को क्या कहकर बुलाएगा। तो अगर ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है, मान लो ये भाई बहन हैं, ठीक, तो इसका पिता ये हुआ और ये इसकी बहन है, ठीक है, तो क्या कहकर बुलाएगा, पोती होगी ना इसकी, डॉटर होगी ना पोती, यानी ग्रैंड डॉटर, जी आर ई एन डी, ग्रैंड डी ओ डी एच टी ई आर, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती, ये आपका राइट आंसर, समझ में आ गया। अब कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या कह रहा है, अगर कुछ दिक्कत आ रही है, अगर कुछ कहीं पे आपको प्रॉब्लम या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यार आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलता है कि आपको समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। अगर आप कमेंट सेक्शन नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। बस आप लोग भी यार कम से कम सपोर्ट तो करो, सपोर्ट करोगे तभी तो हम कुछ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तीसरा, ए तथा सुरेश की बहन राम की पत्नी है, मान लीजिए कोई सुरेश है, ठीक है, मान लीजिए कोई सुरेश है, सुरेश की बहन, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, ठीक है, राम की पत्नी, सॉरी ये फीमेल है, इसको माइनस से करेंगे, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, सुरेश क्या हुआ भाई हुआ, प्लस हो गया, ये भी प्लस हुआ, ठीक है, सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम जो है वो रानी का भाई है, ठीक है, राम रानी का भाई है, राम का पिता मधुर है, राम का पिता मधुर है, ठीक, राम
सीताराम की दादी है। अब सीताराम की दादी है यानी मधुर का मधुर की माँ जो शीतल है, एस एच आई शीतल, ये राम की दादी हुई। ठीक है, रीमा शीतल के पुत्र बनी है। रीमा शीतल, शीतल शीतल का पुत्र कौन है? मधुर। और मधुर की जो वाइफ होगी वो कौन है? रीमा, पुत्र बधु। ठीक है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है। तो रानी का भाई कौन हुआ? राम। और राम का पुत्र कौन हुआ? रोहित। ठीक है, रोहित पुत्र है। अब इसने क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि रोहित का सुरेश से क्या संबंध है। रोहित का सुरेश से, यानी सुरेश रोहित को क्या कहकर बुलाएगा? ठीक, सुरेश रोहित को क्या कहकर बुलाएगा? समझ में आई बात? सुरेश रोहित को क्या कहकर बुलाएगा? सुरेश रोहित को क्या कहकर बुलाएगा बताइए? नेफ्यू यानी भतीजा। यानी अगर अगर आपके पापा, अगर आपके पापा के भाई आपको, यानी आपके अंकल हुए और अंकल आपको क्या कहेंगे? भतीजा कहेंगे, यानी नेफ्यू कहेंगे। समझ में आया आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका चौथा क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे लग चुका है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? एक परिवार में छह सदस्य हैं, एक परिवार में छह सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। ए बी सी का पुत्र है। ठीक है, बी सी का पुत्र है, बी सी का पुत्र है। बी सी का पुत्र है किंतु सी डी की मां नहीं है, किंतु सी डी की मां नहीं है, पिता हुआ किंतु सी डी का मां नहीं है। ए तथा सी विवाहित जोड़े हैं, ए तथा सी विवाहित जोड़े हैं, यानी कि सी की पत्नी ए हुई। ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, ई सी का भाई है। बी ए की पुत्री है, बी ए की पुत्री है, यानी ये भाई बहन हुए। डी ए की पुत्री, यानी बी और ए, बी और डी भाई बहन, डी ए की पुत्री है। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई। परिवार में कितने पुरुष हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिवार में कितने पुरुष हैं, यानी मेल, मेल पूछ रहा है। मेल मतलब प्लस सिंबल पुरुष, इसमें कितने पुरुष हैं? तो देख लीजिए इसमें कौन, इसमें कितने प्लस के सिंबल लगे? एक दो तीन चार, यानी इसमें चार पुरुष हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर चार। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। ये आपका फाइव क्वेश्चन है। ठीक है, फाइव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा है। कह रहा है कि क्यू की मां पी की बहन है, क्यू की मां पी की बहन है, पी की बहन है। ठीक, तथा एम की पुत्री है, तथा एम की पुत्री है, एस पी की पुत्री है, एस पी की पुत्री है, एस पी की पुत्री है, तथा टी की बहन है, एस पी की पुत्री है तथा टी की बहन है, टी की बहन है। पूछ रहा है एम का टी से क्या संबंध है, एम का टी से क्या संबंध है, यानी टी एम को क्या कहकर बुलाएगा, टी एम को क्या कहकर बुलाएगा। अब इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, दादी, पिता, दादा, दादा या दादी, नन ऑफ दीस। ठीक है, इसमें आपको ये बता दूं, इसमें जेंडर का कोई पता नहीं है कि एम कौन सा जेंडर है, यानी फीमेल है या मेल है, और टी का भी नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आंसर आपका डी आ जाएगा, नन ऑफ दीस।
ठीक है, जनरेशन मतलब इसमें जेंडर नहीं पता मेल है या फीमेल है, तो इसलिए हम लोग इसको कुछ नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। अगर जेंडर पता होता तभी तो हम बता पाते, जेंडर इसमें पता नहीं है तो हम लोग इसको ऑप्शन डी है इसमें है कुछ, या फिर हो जाएगा कैंडा डिटर माइंड। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लग गया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि M तथा F विवाहित जोड़ा है, M और F विवाहित जोड़े हैं, ठीक है, A तथा B बहने हैं, A और B बहने, दोनों बहन है, फीमेल, ठीक है, A F की बहन है, A F की बहन है, ओके। अब पूछा बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है, यानी कि एम बी को क्या कहकर बुलाएगा, एम बी को क्या कहकर बुलाएगा, यानी एम बी को क्या कहकर बुलाएगा। अब इसमें कंफ्यूजन की बात आ गई, इसमें कंफ्यूजन की बात यह आ गई कि इसमें जेंडर का नहीं पता है कि कौन फीमेल है कौन मेल है, यानी एम मेल है या फीमेल है या एफ मेल है या फीमेल है। अगर ये मान लीजिए ये मेल है और ये फीमेल है, एफ फीमेल है, तो एम की पत्नी और पत्नी की जो सिस्टर हुई वो एम साली कहकर बुलाएगा, ठीक है, साली 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 कहकर बुलाएगा। अगर मान लो एम फीमेल है और एफ मेल है, मेल है, तो क्या कहकर बुलाएगी, यानी ये भी तो सिस्टर की कहकर बुलाएगी, जो इसकी पत्नी होगी एफ की जो पत्नी होगी वो भी तो अपने पति के सिस्टर को सिस्टर किल्ला ही कहकर बुलाएगी, ये भी साली है, यानी दोनों तरफ एक ही आंसर निकल के आ रहा है सिस्टर किल्ला, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर किल्ला। समझ में आ गई बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को, मैंने आपका 6 क्वेश्चन कवर करा दिया, इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चारों टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा देंगे। ये पहला टाइप था, अभी कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड टाइप के बारे में बात करेंगे और उसमें थर्ड और फोर्थ सारे उसमें कवर करा देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जाके आप जरूर कम से कम यार कमेंट तो कर दीजिए, करिए, इससे पता चलता है कि हमारा आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग और कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे आपको समझाने की, और जो आज मैंने आपको ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट समझाया है जो ट्री के बारे में, अगर वो ट्री आपको समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप कम से कम ब्लड रिलेशन के सवाल आपके से धुआं चुटकी से उड़ जाएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।